चलेगा चलेगा, कोई इशू नहीं। ठीक 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 आप बहुत करते हैं और हम लोग के लिए बहुत दिक्कत है, और हमको तो पांचों टाइम वहां से आना जाना है। अब किसी से भी बेटर है करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं हो जाए, कुछ हो जाए, सब प्यार मोहब्बत हो जाए तो अच्छा है। नहीं चलो उसपे कार्रवाई करते हैं, कैसा क्या है ना वहां जाके है ना सब। तो पंकज ने नगर पालिका द्वारा गार्डन में दुकान बनाई है, मंदिर भी लगा लगाया, वो भी हार गए ना हम लोग। कैसा इन लोगों ने कोई केसेस लगाए थे? मैडम क्या अपन व्यक्ति का ये नहीं है भाई, चलो उनका भी रोजगार हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब उनको नगर पालिका ने एक व्यवस्था बनाई आप जाए ठीक है ना, व्यवस्था की तो वहीं पे है। जिसको जो चीज लेना है वो दुकान यहाँ रहे वहाँ रहे तो आदमी जाएगा, किसी को परेशानी ना हो, किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए आपस में। और मंदिर दोनों के बीच में है, दोनों के बीच में दोनों को नहीं, वो तो दोनों को परेशानी है। चलो शांति पूर्वक माहौल हो जाए, हम लोग भी करते हैं चले पानी रास्ता है तो पूरी गंदगी करते उनको नगर पालिका ने सर दूसरी जगह दे चुका हूँ। ये पंचिन में नगर पालिका ने उनका पूरा सेट एट बना के रखा है, वो मटन की भी और चिकन वालों की वहीं शिफ्ट करना है। ये कौन समाज से है? कब से लगा रहे हैं? अभी सर दो तीन दिन, तीन एक दिन हो, तीन दिन हो, चार दिन ही होगा। हां हां, जैसे उनको समझाओ तो बहुत एडीएम साहब बहुत दे दिए दे दिए सर, वहां पे वहां हो गया ये नगरपालिका में। देखो कब से लगा रहे हैं हम, 8 दिन हो गए। क्या था मामला? मामला ये था कि वार्ड नंबर 6 में जो मटन मार्केट था पहले, उसको वहां पे गार्डन में चेंज कर दी। वहां कुछ लोग हैं ना दुकान लगा रहे हैं और वहाँ गंदगी पैदा कर रहे हैं, तो इससे लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही, सुनने को तैयार नहीं, व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं। इसी वजह से ये लोग ज्ञापन देने के लिए आए थे कि आप लोग व्यवस्था को सुचारू रूप से किए और वहाँ की जो गंदगी है हमको निकलने में परेशानी हो रही, और फालतू जानवरों का वहाँ पर जमघट रहता है जिससे सभी को परेशानी हो रही। तो ठीक है, हम लोगों ने स्वीकार किया उनका ज्ञापन, स्पॉट पर भेजे हमने हमारे इंजीनियर अग्रे, सब इंजीनियर को अग्रे को स्पॉट से मुआयना लेके आएंगे, उनको समझाएंगे और फिर व्यवस्था में हम लोग सुचारू रूप से जो वहाँ पे व्यापारी उनकी व्यवस्थापन की क्या व्यवस्था रहेगी अब करेंगे हम लोग, जो भी व्यवस्था है ना पहले तो वहाँ जाके वो करते हैं, फिर आगे उसका सुचारू रूप से करेंगे कि जहाँ पे हम लोगों ने आपको सुविधा दी वहीं दुकान लगाई जाए। क्या मतलब किसी को परेशानी करने से मतलब? आप लोगों के द्वारा SDM कार्यालय, नगर पालिका और थाने में आके ज्ञापन सौंपा है, क्या था मामला? मामला ये है कि मस्जिद गरीब नवाज के सामने चिकन व्यापारियों द्वारा आज मतलब शासकीय ज़मीन में, आबकारी की ज़मीन में वो दुकानें लगा रहे हैं, उनकी दुकानें लगाने की वजह से मस्जिद के रास्ते के सामने गंदगी बढ़ जाती है, और उनके मुर्गियों के पंख रास्ते में आ जाते हैं, उनके ग्राहकों की गाड़ियाँ रोड पर आ जाती है, तो नमाजियों को मस्जिद में जाने में तकलीफ होती है। उनकी गंदगी से गोश के टुकड़ों की वजह से वहाँ पर कुत्ते हमला करते हैं, और कुत्ते की वजह से वहाँ आने जाने में बड़ी दिक्कत हो रही है, तो नमाजी को बहुत परेशानी होती है इस जगह पर। तो हम चाहते हैं कि इनकी दुकानें जो नगर पालिका ने बनाई है गार्डन में वार्ड नंबर 10 में, वहाँ पे इनको स्थापित किया जाए, जो नगर पालिका ने ऑलरेडी बना के रखी है वहाँ इन्हें पहुँचाया जाए, ये हम लोगों की मांग है। तो आपको अभी तुरंत में क्या आश्वासन मिला? नगर पालिका ने अभी हमें ये बोली है कि हम अपनी टीम पहुँचवा रहे हैं और उनका पंचनामा बनवा के उनको नोटिस देंगे, और TI साहब ने ये कहा है कि जितने लोगों ने दुकान बनाई उनको हम थाने में बुला के उनको समझाइश देते हैं और उनको यहाँ से काम रुकवाते हैं।